हे गाइस, स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है एपिक डार्क वर्ल्ड। तो गाइस, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके बारे में हम सोचे तो बहुत सारे सवाल मन में आएंगे, पर हर सवाल का जवाब आज हम नहीं दे पाएंगे। स्पेस, ये वर्ड सुनते ही हमारे मन में अनगिनत सवाल उठते हैं, और स्पेस के बारे में जितना जानोगे उतना कम ही है, क्योंकि वो इन्फिनिट रूप से फैला हुआ है। उसी स्पेस में एक ऐसी रहस्यमय चीज है जिसे साइंटिस्ट अभी तक सुलझ समझ नहीं पाए, उसका राज अभी तक सुलझा हुआ नहीं है। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा, आज हम ब्रह्मांड के उस दानों के बारे में बात करेंगे जो ब्रह्मांड को ख़त्म करने वाला है, पर आज शांत है। वो दानव और कोई नहीं तो ब्लैक होल है। आज हम ब्लैक होल के बारे में कुछ ऐसी अलग इन्फॉर्मेशन जानेंगे जिसे सुनने के बाद आप चौंक जाओगे। ब्लैक होल ये वर्ड सुनते ही हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते होंगे, जैसे कि ब्लैक होल में गई चीज़ें कहाँ जाती होगी, नहीं तो ब्लैक होल और क्या कर सकता है। आप सबको पता होगा कि ब्लैक होल ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच लेता है। एक ब्लैक होल में इतनी पावर होती है कि वो कोई प्लैनेट को, कोई स्टार को, नहीं तो कोई सौर मंडल को, नहीं तो कोई पूरी यूनिवर्स को खींच सकते हैं, क्योंकि जितना बड़ा ब्लैक होल उतने बड़े चांसेस है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, उसका कोई अनुमान लगाया नहीं जा सकता। आमतौर पर ब्लैक होल चीज़ों को अपनी ओर खींच लेते हैं, पर आपने कभी किसी शांत ब्लैक होल के बारे में सुना है? हमारी आकाशगंगा में, जिसे मिल्की वे इस नाम से जाना जाता है, उस मिल्की वे के एंड पर यह ब्लैक होल मिला है। साइंटिस्ट को सर्च करते करते इस ब्लैक होल को अपने आकाशगंगा के आखिरी छोर पर पाया। हालांकि ऐसे ब्लैक होल बहुत ही कम मिले, पर अभी तो यही मिला है। हमारे यूनिवर्स में, हमारे मिल्की वे में ऐसे बहुत सारे शांत ब्लैक होल है, पर उसको उस पर रिसर्च जारी है। शांत ब्लैक होल मतलब वो किसी भी तरह की लाइट को, चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करता, वो वैसे ही पड़ा हुआ है, वो कुछ ही नहीं करता। आमतौर पे ब्लैक होल लाइट्स नहीं तो चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, खींच लेते हैं। तो ये शांत ब्लैक होल ऐसे कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा है। ये जो ब्लैक होल्स रहते हैं ना, वो आसानी से नहीं मिलते, क्योंकि ब्लैक होल्स कोई भी तरह की लाइट्स एमिट नहीं करते, तो उसे उसके मूवमेंट्स नहीं तो उसके मौजूदगी के उससे भी उससे ढूंढा जाता है। सच में दोस्तों, ब्लैक होल एक ऐसी मिस्ट्री है जो अभी तक सुलझ नहीं पाई। मतलब अगर हम उसके नज़दीक गए तो हमारा टाइम स्लो चलता है बाकियों के मुकाबले, और अगर हम उसके अंदर गए तो पता नहीं। पर स्पेस में जो भी चीज़ें हैं उसे हम लोग अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए, और जानने के लिए बहुत वक्त लगेगा। ये ब्लैक होल, वार्म होल, यूनिवर्स, गैलेक्सीज, एलियंस, मल्टीपल गैलेक्सीज, मल्टीपल यूनिवर्स, कितने सारे सवाल, पर जवाब अभी भी नहीं है। सो होप गाइस वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो कैसी लगी। और हाँ, अगर आपको चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, क्योंकि हम ऐसी रहस्यों से भरी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं एक और रहस्यमय और मिस्ट्री से भरी वीडियो के साथ।